नमस्कार दोस्तों करेंसी वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है आज है तो सेवनटीन ऑफ सितंबर 2023 आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके लिए हम चार्ट में जाते हैं ये है आपका डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 105.33 कंपेरिबली स्ट्रॉन्गर क्लोजर काफी अच्छा क्लोज दिया हुआ है बट अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस वो है आपका 105.50 से 105.70 दिस इज द लिटमस टेस्ट जो लिटमस टेस्ट के बाद हमें देखना है कि क्या डॉलर इंडेक्स इस रेंज को तोड़ के ऊपर जाने में सक्षम होते हैं या yeah, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आते मंथली आरएसआई एस आई इज कंसर्न करेंटली एट 57.19 सेवन पॉइंट बिंग द केस ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस आने का एक्सपेक्टेशन से वीकली आरएसआई जो इतने समय तक बिलो 60 था वो करेंटली 61.30 पे क्लोज दिया है इट्स लिटिल कंसर्न मीन्स क्या वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा

पड़ेगा अभी आते हैं आपके डॉलर रुपी डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज दिया है 83.05 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है मंथली चार्ट में देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल के ऊपर जाके प्राइस बैठ गया है Means वहीं पे जाके मूव एक्टिविटीज कर रहे हैं एंड एज फार एज द आर एस आईज इट्स एट सिक्सटी वीकली जो आर है इमिडिएटली सिक्सटी के नजदीक है फिफ्टी नाइन पॉइंट वन सेवन हल्का सा मीन रेजिस्टेंस आने का एस फॉर एज द आर एस आई रेजिस्टेंस का एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे हैं एंड एस फॉर एज द इनविजिबल हैंड्स आर कॉन्सर्न एटी थ्री ट्वेंटी लेवल्स में हम आशा करते हैं कि इनविजिबल हैंड्स रहेंगे अगर इनविजिबल हैंड्स थोड़ा सा अपना डिसीजन चेंज करते हैं एंड द रेंज को ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए कुछ सोचते हैं इन सच केस देयर में डॉलर रुपी रेंज इज कंसर्न सो हमें केयरफुली मॉनिटर करना है बट जब तक ये रेंज में नैरो मूव करते हैं अभी के लिए कुछ दिनों से जो रेंज बना हुआ है वो है आपका 82.80 ऑन द लोअर साइड एंड

वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो ये अच्छा खासा नेगेटिविटी दिखा रहा है अभी जो लस्ट रिजोर्ट है दैट मीन सपोर्ट एरिया हो सकता है वो है आपका 1.2275 से 1.2300। आरएसआई इज आल्सो अप्रोचिंग 40, दैट बीइंग द केस आपका 40 करेंटली एट 44.11। सो 40 के तरफ जाने के बाद क्या सपोर्ट लेते हैं वो हमें देखना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका जो सेलिंग स्प्री है उसमें हमें फिलहाल उसी मोमेंटम पे चलना है सेल ऑप्टिक्स जब तक कुछ रिवर्सल सिग्नल्स आते नहीं मंथली आरएसआई एट फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन जीरो सो ये भी साइडवाइज में है यानी कहने का मतलब दोनों साइड में जाने का दम रखता है एंड करेंटली ये जो वीकली चार्ट है वो नीचे के तरफ जाने का प्रयास कर रहे That being the case, यहाँ पे sell optics considered. और यहाँ पे आप देखोगे डेली चार्ट जो है डेली चार्ट में ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 1.2450 के आसपास उसको तोड़ के नीचे गया दैट मींगस सेल ऑप्टिक्स में भी कॉन्सिडर्ड जो आपका स्ट्रेटेजी होगा उस हिसाब से आप मेंटेन कीजिए एंड फॉर फर्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा ये आपका 1.2275 से 1.2300 इस लेवल पे आने के बाद प्राइस को हमें दोबारा एनालाइज करना है क्या ये सपोर्ट ले रहा है या कोई प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्सल पैटर्न्स वो हमें देखना पड़ेगा जीबीपी आईएनआर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 102.83 इसमें भी काफी नेगेटिविटी है एंड uh, जो इमीडिएट दो सपोर्ट हो सकता है वो है आपका 102.5 4050 एंड 101.80 से 102.00 दीस आर द टू वीकली बेसिस पे जो सपोर्ट लेवल हो सकते हैं as far as the rsi is concerned currently at 47.80 अगर नीचे जाना है तो काफी रूम है नीचे जाने के लिए और जो मंथली चार्ट है मंथली चार्ट पे पिछले महीने में दैट मींस योर अगस्त महीने में एक नेगेटिव कैंडल बनाया था ऑन ब्रेकआउट के बाद एंड इस महीने में ये नीचे के तरफ आ रहा है दैट मींस देखिए यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस जोन था वो था आपका 103.75 से 105.25 का देर देरबी का एक रेजिस्टेंस ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम पे था उस मंथली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के बाद मीन्स वहां पे ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था लेकिन फॉल्स ब्रेकडाउन ये फॉल्स बैकग्राउंड क्या इंडिकेट करता है ये दो इंडिकेशंस करते हैं क्या ये ब्रेकडाउन के बाद कौन थोड़ा सा टाइम पास करते हैं अगर टाइम पास करते हैं देन ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है अगर टाइम पास नहीं करते हैं इन सच केस एक शार्प सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट इट्स मंथली टाइम फ्रेम सो टाइम होराइजन काफी लंबा हो होगा एंड जीबीपी का जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में ये इमिडिएटली जो सपोर्ट लेवल के आसपास है इस जोन पे सपोर्ट ज़ोन पे कौन सा जोन हो गया करेंटली ये नजदीक में आपका हंड्रेड एंड टू पॉइंट फोर जीरो इसमें क्या सपोर्ट लेता है या नीचे की तरफ ही जाता है जब तक कोई प्राइस रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं आता सेल्टे भी कंसिडर्ड अभी हम आते हैं यूरो डॉलर पे यूरो डॉलर में भी वीकली जो क्लोज दिया है वो है 1.0660 अभी जो सपोर्ट हमारा लेवल था दैट 1.07 उसको स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है ओनली मींस सेफियर जो प्रोबेबल सेफियर हो सकता है वो है आरएसआई करेंटली एट 41 क्या ये 40 के नजदीक आके सपोर्ट लेके लेता है या लेने का प्रयास करता है ये हमें देखना पड़ेगा लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से नॉन स्टॉप सेलिंग का ही मूड बन

डेली चार्ट पे कल एक थोड़ा सा बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहा है लेकिन इतना फॉल होने के बाद इतना नेगेटिविटी में ये जो बाउंस छोटा कैंडल है प्राइस रिजेक्शन्स ऑन द हायर साइड ये एनफ नहीं है सफिशिएंट नहीं है बोलने के लिए कि अभी यहां पे आप बाई कर सकते हो सो सेल अपटिक्स टिल कोई रिवर्सल इंडिकेशंस हमें मिलता है यूरो आयनार वीकली जो चार्ट है वो वीकली क्लोजिंग दिया है आपका 88.56 पे आरएसआई

एक रेजिस्टेंस जोन था उस रेजिस्टेंस जोन में रेजिस्टेंस लिया हुआ है क्लियर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं किया है एंड नीचे की तरफ आ रहा है दैट बीइंग द केस ये जो 100ड मींस 88 88 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल इसको अगर तोड़ता है तो अच्छा खासा एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट इट्स ऑन अ मंथली बेसिस सो लंबा टाइम फ्रेम एंड डेली चार्ट में ये कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है जब तक ये

आसानी से छोड़ने वाले नहीं है इसी के कारण शॉर्ट बिल्डअप के लिए एक हो सकता है पॉसिबिलिटीज हमें बीओ जे का एक्शन केयरफुली मोनिटर करना है और अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे

एंड डेली में देखेंगे ये कंसोलिडेट कर रहा है जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता है थोड़ा सा रीड्रॉ uh, करते हैं ट्रेंड लाइन को अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे देता है एंड हायर हायर लो फॉर्मेशन नहीं बनाते हैं तब तक बाइंग के लिए थोड़ा सा रिस्की है अभी आते हैं आपका डॉलर कैंडी डॉलर कैंडी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.3521 ये जो 1.3650 उसमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास करें आर एस रेजिस्टेंस एट सिक्सटी डेट बींग द केस यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्राइस सेक्शन को कंसिडर करना है क्या ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है या नहीं एज फर इज द मंथली

एंड मंथली चार्ट में आप देखोगे आर एस आई एट फोर्टी पॉइंट फोर सिक्स मंथली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है प्राइस वॉल इंजर के हिसाब से भी आउटसाइड इनसाइड है एंड आर एस आई

जो प्राइस एक्शन हुआ है प्राइस एक्शन में कल का, का जो एक कैंडल बनाया हुआ है एक स्पिन बार टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है इसके हाईट के ऊपर दोबारा ये अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर जाने के लिए यानी मंडे ऑनवर्ड्स इस फ्राइडे का हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं तो दोबारा ये टेस्ट कर सकता है हाई इसको सो so, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी आते हैं आपका ब्रेंट क्रूड ब्रेंट क्रूड वीकली जो क्लोज दिया है वो है आपका 93.56 ये स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है आर मंथली एज वेल एज मंथली के लिए हमें इसमें फ्यूचर्स में आ नहीं रहा है तो उसके लिए हमें

डेली चार्ट पे प्राइस एक्शन को हमें देखना है प्राइस एक्शन के लिए यस yes. सो so, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूसली ऊपर ही जा रहे हैं सो बाई डिप्स मे बी कंसीडर्ड बिकॉज यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाने के लिए सो डेली बेसिस में या आवरली बेसिस में आप बाई डिप्स के लिए प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं यूएस टेन ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया है एट वन

तो थोड़ा बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है एज फार एज कॉन्सर्ट सो ट्रेजरी और टाइम के लिए एज फार एज द रेट कट का जब तक कुछ सीनारिय नहीं आते तब तक इसको मीन्स और क्लोज मॉनिटर करना है सो करेंसी वीकली एनालिसिस आपके लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इप्सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब सो अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ थैंक यू एंड बाय बाय